नमस्कार दोस्तों। 1920, 30 और 1940 का दशक, जब भारत अपनी आजादी को लेकर, अपने स्वतंत्रता संग्राम को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित था, बहुत सारी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स में से लोग जुड़े और राजनीति की बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे सामने आई, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और बहुत बड़ी लिस्ट है। और उसके बाद हम देखते हैं 1975 का वो इमरजेंसी का दौर, जब इंदिरा गांधी की सरकार ने विपक्ष के बहुत सारे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया, या उससे पहले भी गिरफ्तारी जैसा माहौल 1974 1975 में बन चुका था। तो उस समय भी बहुत सारी जो है राजनीति की जो है प्रतिभाएं, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में भारतीय राजनीति को एक मजबूत जो है मजबूत पिलर के रूप में वो जो है लोग आगे आए। अब ये 1970s का दौर था, जो 80s का दौर था, ये जब मैं इमरजेंसी की बात करता हूं तो बड़े सारे लीडर उभर के आए, जिसमें से खास तौर पे हम बात कर सकते हैं नीतीश कुमार की, राम विलास पासवान की, हम बात कर सकते हैं जो है इसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस की, यशवंत सिन्हा की, और यहां पर भी लिस्ट बहुत बड़ी है। और उनमें से एक जो है नाम है वो है शरद यादव का, और आज हम उनका जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बीते रात जो है कल उनका 75 साल की एज में जो है वो देहांत हो गया। जन्म इनका मध्य प्रदेश में हुआ था और वहीं से इन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर जो है वो शुरू किया। लेकिन जब देखें हम 90 के दशक में, 2000 का जो पहला दशक था 2010 तक, तो राजनीति में काफी प्रभावशाली थे वो, चाहे वो सरकार किसी की भी रही, या कह लीजिए केंद्र सरकार और बिहार के बीच का एक बहुत बड़ा ब्रिज जो है वो शरद यादव ही थे, चाहे सरकार मनमोहन सिंह की रही हो, चाहे वो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो, और चाहे मुख्यमंत्री भी जो है बिहार में कोई भी रहा हो, तो बहुत बड़ी हस्ती के रूप में, प्रतिभा के रूप में ये आए। तो इनके राजनीति की जो शुरुआत है जो है वो कहां से हुई, उससे पहले मैं बता दूं कि आज सुबह होते होते बड़े सारे पॉलिटिकल लीडर्स के जो बयान थे अपने ट्वीट्स में, उन्होंने कहा, किसी ने इनको मंडल मसीहा कहा, किसी ने इनको लोहाइट कहा, लोहिया के जो राम मनोहर लोहिया के जो बहुत बड़े जो है फॉलोअर थे, किसी ने इनको समाजवादी कहा, सोशलिस्ट कहा, तो ट्रिब्यूट्स फॉर शरद यादव, और किसी ने कहा कि भारतीय राजनीति में ना पूरे होने वाला जो है क्षति है, इनके देहांत के साथ ही वो हो गई थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अपनी उम्र के हिसाब से, या कह लीजिए कि अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पर प्रभावी या एक्टिव नहीं थे, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि 80, 90 और 2010 तक का जो सफर है शानदार रहा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये मंत्री भी रहे। तो कुछ तस्वीरों के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। तो सबसे पहले बता दूं, इनका जो जन्म है दोस्तों वो 1947 में हुआ था, और 1947 में इनका जो जन्म है, मैं जो है वो मध्य प्रदेश बंबई सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार ब्रिटिश इंडिया, जो कि प्रेजेंट का मध्य प्रदेश का बाखर नगर है, वहां पर इनका जन्म हुआ। और जब यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, तो दोस्तों जब 1975 का जो इमरजेंसी का जो दौर था, उससे पहले 1974, 1973 जब जो जेपी नारायण कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंदिरा गांधी खिलाफ के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोला हुआ था, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसी परिस्थिति जो है वो सामने आई, जब 1974 में जबलपुर से जो कांग्रेस के सांसद थे उनकी मृत्यु हुई, और वहां पर जो है बायपोल होना था, वहां पर उपचुनाव होना था, और उपचुनाव में सभी पार्टियों ने मिलकर जो है इस 27 वर्ष का लड़का, जिनकी आप तस्वीर पीछे से देख रहे हैं, बड़े युवा हैं, 27 वर्ष की उम्र है, तो इनको जो है सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इन्हें अपना उम्मीदवार, कांग्रेस के जो है उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा कर दिया, और इसने ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज की। ये वो दौर था जब कहा जाता था कि इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है, इतनी बड़ी हस्ती के रूप में इंदिरा गांधी जो है भारत में उस टाइम प्रभाव में थी, शक्तिशाली थी, तो उस समय पर ये निकल कर आए। तो उसके बाद जो है इनका राजनीतिक कैरियर काफी आगे गया, और हम देखते हैं 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार आई, और भाई वहां पर भी इनका काफी ऊंचा जो है कद हुआ, जनता पार्टी की सरकार भी जो है, या कह सकते हैं कि कांग्रेस के सहयोग से तो जरूर बनी, लेकिन जो है उसमें प्रभावशाली वीपी सिंह थे, या पहले बीजेपी के सहयोग से सरकार बनी, तो बाद में जो है फिर दोस्तों हालांकि सरकार ज्यादा नहीं चल पाई, लेकिन फिर जब 99 की सरकार वाजपेयी की आई, तो तब इनको मंत्रालय भी मिला और इनको कैबिनेट रैंक मिला। तो इनका जो मंत्रालय था, यहां पर मैं बताना चाहूंगा, सिविल एविएशन, इनका जो मंत्रालय था सिविल एविएशन,
लेबर एंड कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़े थोड़े आंकड़े मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि मैं साथ साथ आपको शरद यादव के बारे में जब मैं बता रहा हूं तो दोस्तों राजनीति के बारे में थोड़ा ज्ञान के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये जो शरद यादव हैं ये सिविल एविएशन, लेबर, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मिनिस्टर रहे थे और अपने मंत्री रहते हुए ही एक तस्वीर है जब ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की एक मीटिंग के दौरान जो है वो संबोधित कर रहे थे। तो ये 7 बार जो है ये भाई लोकसभा का जो इलेक्शन है वो जीते। यहाँ पर फिर से दिखाना चाहूंगा इनकी जो यात्रा है पार्लियामेंट की। तो जब मैं बात करता हूँ लोकसभा की तो 74 से 80 सबसे पहली बार ये जो है यहाँ पर जो है चुनाव जीते, फिर 89 से लगातार 98 तक, 99 से 2004 तक और 2009 से लेकर 2014 तक ये लगातार जो है पार्लियामेंट के, लोकसभा के और कभी राज्यसभा जो है दोस्तों लोकसभा के मेंबर रहे। फिर राज्यसभा में देखते हैं 86 से 89, 2004 से 2009 और 2014 से 2017 तक, मतलब 2017 तक काफी एक्टिव थे और राज्यसभा के मेंबर रहे। हालांकि 2017 में जो इनकी पार्टी थी वहां से इनको इस्तीफा जो है दिया इन्होंने, जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की कह सकते हैं पार्टी है, लेकिन कोई समय था जब नीतीश कुमार के साथ पैरेलली जनता दल यूनाइटेड के सबसे ताकतवर नेता थे, इवन जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय के ये जो है अध्यक्ष या कह लीजिए प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी जो है बनाई और फिर उसके बाद 2022 आते आते इन्होंने फिर दोबारा से अपनी पार्टी को जनता दल यूनाइटेड में ही वो है वो उसमें विलय कर लिया था। तो आप देखिए 1974 से लेकर अगर मैं ईयर्स के रूप में जो है बात करूं तो लगभग लगभग 44 ईयर्स तक तो यह बिल्कुल लोकसभा राज्य के मेंबर ही रहे और अब तक भी काफी एक्टिव थे 2022 आते आते। तो कल जो है गुड़गांव के जो है एक निजी अस्पताल में जो है ये सांस की कुछ प्रॉब्लम होने के कारण जो है कुछ दिनों से वहां पर दोस्तों एडमिट हुए थे और इनकी जो लड़की है सुभाषनी, तो देर रात जो है उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जो है अब मेरे जो पिताजी नहीं रहे। मैं बता दूं आपको इनकी जो लड़की है सुभाषनी, उनकी तस्वीरें पता नहीं यहाँ पर नहीं मिलेंगी शायद, और इनके बारे में बता दूं ये कांग्रेस की तरफ से जो है दिल्ली विधानसभा में इलेक्शन भी लड़ चुकी है। हालांकि इनके पिता जो है कांग्रेस में कभी नहीं गए लेकिन इन्होंने जो है कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन भी लड़ा था। तो बड़े सारे नेता नरेंद्र मोदी उन्होंने अपने ट्वीट में जो है इनकी फैमिली के लिए जो है भगवान से प्रार्थना की। इसके अलावा और बहुत सारे जो लीडर्स हैं जो है भाई, जिसमें चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, चाहे वो उनके लड़के तेजस्वी यादव हों, चाहे वो होम मिनिस्टर होम अफेयर हों, बड़े सारे लोगों की बड़ी लंबी कतार है और मुझे लगता है कि आज जो है पूरे दिन इनके घर में जो है सभी लोगों का आना भी होगा यहाँ पर। तो फिर पहली जो तस्वीर है वो आपको दिखा दूं, यहाँ पर लिखा है मंडल मसीहा। मंडल मसीहा इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि ये जो मंडल जो कमीशन था जब इनकी शर्तों को लागू किया गया था 1990 में तो उस कमेटी के ये मेंबर भी रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा उस कमीशन की, ये तस्वीरें हैं। शरद यादव इमर्ज एज वन ऑफ द फ्रंट लाइन लीडर्स ऑफ द जनता परिवार इन द 1990s। वीपी सिंह, एसआर बुमई, ये सारे के सारे वो लीडर हैं। रामविलास पासवान, इनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। फिर उसके बाद शरद यादव यहाँ पर आप देखते हैं काफी युवा लीडर लग रहे हैं। और ओबीसी स्टूडेंट्स आर सीन कमिंग आउट फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन ऑफ द सबमिटिंग ए मेमोरेंडम टू द प्रेसिडेंट ऑन रिजर्वेशन 1994। तो ये जब मैं मंडल कमीशन की बात करता हूँ दोस्तों हमेशा याद रखें ये जो मंडल कमीशन है आजादी के बाद ही जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनको रिजर्वेशन को लेकर उनका लगातार संघर्ष चलता आ रहा था। तो पहली बार 1953 में बैकवर्ड क्लासेस को लेकर एक कमीशन बना था जिसको केलकर कमीशन भी बोलते थे और बाद में 1970 के दशक में जो है उस समय के एक एमपी थे, बाद में ये बिहार के बड़े लीडर भी बने, बीपी मंडल। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन जो है बैठा और इसने अपनी रिकमेंडेशंस बाद में वीपी सिंह सरकार, चौधरी चरण सिंह सरकार को दी थी, लेकिन ये जो लागू जो हुई 1990 तक हुई और ये 1990 का दौर था जब मंडल और कमंडल की लड़ाई हुई, लेकिन उसमें भारी हम देखते हैं बिहार की राजनीति में तो जो है मंडल कमीशन रहा, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो वहां पर जो कमंडल है मतलब बीजेपी का जो है इमर्ज है वो हो चुका था। तो भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेताओं में एक थे, हालांकि जिंदगी के आखिर में इतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहे, लेकिन फिर भी भाई ऐसे कुछ लोग जो कि समाज को जो है अपने जो है देश को बहुत कुछ जो है देकर गए अपनी इस 75 साल की उम्र में। तो आपका क्या मानना है, अगर आपको इनका कोई भी और कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ पता हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।